पावर कंज्यूम बाय पैरल कॉम्बिनेशन। देखो पैरल कॉम्बिनेशन के अंदर बेसिकली क्या होगा, अगर पैरल में ये बल्ब लगे हुए हैं विद वी, तो पहला काम यही होगा याद रखना, पहले काम में अलग अलग रेजिस्टेंस निकालनी है, और पैरल कॉम्बिनेशन में अफेक्टिव पावर निकालने के लिए पहले रेजिस्टेंस पैरल में लगेगी, आप इसको वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ गई पावर पी थ्री पी टू और पी वन और ये पी, तो पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। फॉर्मूला रजिस्टर में लिखो कि अगर पैरल कॉम्बिनेशन में तीनों बल्ब लगे हुए हैं तो अफेक्टिव पावर क्या होगी पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री। डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना प्लीज, डायग्राम ड्रॉ कर लेना। सर जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी सीरीज में तो वो कम नहीं होनी चाहिए उसकी ब्राइटनेस पैरेलल की सीरीज, सीरीज में सीरीज में जिसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी उसका उसकी रेजिस्टेंस कम नहीं होनी चाहिए उसकी। जिसकी पावर कम है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, और जिसकी पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके साथ आएगा ना आंसर। ओके सर, यस सर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला नोट कर लिया, अब एक चीज बताओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है वी स्क्वायर बाय पी वन, अब वी तो सबके लिए सेम है तो जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, हीटिंग इफेक्ट उसका कम की ज्यादा होगा। आर अगर मान लो यहां पर क्या होगा, अगर मैं वी सबको सेम दे रहा हूं तो मैंने क्या बताया, अच्छा सबसे पहले उड़ता कौन है, चलो ऐसे बोलते हैं कौन फ्यूज होता है पहले, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। इसमें हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं, वी तो सबका बराबर है तो पावर उसी की ज्यादा है जो एक्चुअल पावर ज्यादा है, एक्चुअल 30 वॉट की ज्यादा है मान लो 30 वॉट उड़ जाएगा सिंपल। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ब्राइट भी कौन ग्लो करेगा सबसे ज्यादा, पैसे खर्चे हैं भाई, वी सब बराबर है तो 30 वॉट है तो 30 वॉट ज्यादा ब्राइट होगा और उड़ेगा भी कौन सबसे पहले 30 वॉट। तो इसको सॉल्व पैरेलल में तो प्रॉब्लम ही कुछ नहीं है ना, सीरीज में उल्टा रिजल्ट है पैरेलल में सीधा रिजल्ट है। तो एक रूल लिख लेंगे इसमें कि जो ब्राइटनेस इसमें लिखेंगे कि अगर मान लो जिसकी पावर ज्यादा है तो ये लाइन लिख लो बल्ब विद मैक्सिमम पावर विल बी फ्यूज्ड फर्स्ट, तो जो बल्ब है जिसकी पावर मैक्सिमम है सबसे पहले फ्यूज होगा। ठीक है, और ये भी लिख लेना उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, ग्लो भी सबसे ज्यादा वही करेगा, ब्राइटनेस सबसे ज्यादा उसी की होगी जिसकी पावर सबसे ज्यादा है। तो सीरीज के अंदर भी लिख लिया और पैरेलल के अंदर भी रिजल्ट लिख लिया। क्लियर है यहां तक?